जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के परिवार डॉक्टर शशि शिरोमणि जी के निवास पर 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू ने की, जिसका संचालन जिला प्रवक्ता अनुज शिवहरे ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक, पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर आगरा एवं विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव शरद उपाध्याय नंदा एवं प्रदेश प्रवक्ता अनिल शर्मा जी थे। कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रत्येक कार्यकर्ता को सक्रिय रूप से जवाब देना चाहिए और आज के युवा को आजादी के बारे में बताना चाहिए कि आजादी कैसे मिली थी। जिला प्रभारी शरद उपाध्याय नंदा जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री इससे आगे कुछ और नहीं सीखे हैं। ए फॉर अदानी और अंबानी, एम फॉर मणिपुर, नावे और महंगाई बिफोर बेरोजगारी कुछ नहीं जानते। प्रदेश प्रवक्ता अनिल शर्मा ने कहा कि आजादी का इतिहास किताबों में पढ़ें और नई पीढ़ी को बताने का काम करें। देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक लंबे अरसे के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के आगरा शहर में शिरोमणि परिवार, जो कि आगरा का एक बड़ा प्रसिद्ध परिवार रहा है और जिसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश को आज़ाद कराने में अग्रणी भूमिका जिस परिवार ने निभाई है, उसमें हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मीनू जी, हमारे नंदा जी, इन सब की प्रेरणा से उनके घर पे आज इतनी बड़ी मीटिंग जिला कांग्रेस कमेटी की रखी है, जिसमें पूरे जनपद से कार्यकर्ता आए हैं, नए पार्षदों का भी सम्मान किया जा रहा है और तमाम लोग आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा और उनके मणिपुर दौरे में जिस तरह से वो वहाँ इतने दंगों के बाद गए हैं, संवेदना प्रकट करने के लिए, मलहम लगाने के लिए, मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए, उससे प्रेरित होकर तमाम लोग आज कांग्रेस भी ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा छोड़ के। उसी संदर्भ में यहाँ पे मीटिंग है और ये एक नई शुरुआत है उत्तर प्रदेश में, जिसकी शुरुआत आगरा से हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं, खाली आगरा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के आश्रित रहे हैं उनके घरों में जाके कांग्रेसी इस तरह कांग्रेस जोड़ो अभियान, भारत जोड़ो अभियान जिस तरह का कार्यक्रम था, तो लोगों को जोड़ने का अभियान शुरू करेगी और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी रणनीति ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की बनाई जाएगी, क्योंकि चुनाव पास ही हैं। आज मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष योगेश दीक्षित जी से भी बात करी थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की भी बात करी थी और इस कार्यक्रम के बारे में उनको अवगत कराया था, क्योंकि संदर्भ में चर्चा पूर्व में भी हुई और अध्यक्ष जी टाइम मांग रहे थे, तो मैंने कहा आप कल ही रख लीजिए, आगे मत ले जाइए। तो इस काम को हम लोगों ने तत्काल किया, इसका स्वागत है और मैं समझता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता, नौजवान और उपेक्षित कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पूछना शुरू कर दें बिना पार्टी बंदी के, तो कांग्रेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजबूत होगी। इस वर्तमान मोदी सरकार से और योगी सरकार से लोग त्रस्त आ चुके हैं, महंगाई सातवें आसमान पर है, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है, डीजल पेट्रोल और गैस के दाम इस कदर बढ़ा दिए गए हैं, जब गैस के दाम हमारी सरकारों में एक रुपये दो रुपये बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी और इनके तमाम मंत्री सड़कों पे आ जाते थे, आज 350-400 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये का 1150 का बिक रहा है और सरकार उफ तक नहीं कर रही है। मोदी जी बिजी है अमेरिका की यात्रा में और देशों की यात्राओं में, इन्होंने अपने एजेंडे में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद रख रखा है, मुख्य मुद्दों से लोगों को भटका देते हैं और भारतीय भटकाओ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय झूठ पार्टी है ये, जनता अब इनके कहने में नहीं आने वाली है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाने वाले हैं और उसका बिल भी ला रहे हैं, जहां इस देश में अनेक विविध भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, अनेकता में एकता है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की क्या आवश्यकता है। लोगों को अपना खुशहाली से रहने दें। मैं जानता हूँ ये सारा का सारा पॉलिटिकल एजेंडा है, आने वाले पार्लियामेंट चुनाव का एजेंडा है, ध्रुवीकरण का एजेंडा है, क्योंकि अब इनका मंदिर मुद्दा भी फेल हो गया है, महंगाई का मुद्दा भी फेल हो गया है, चीन देश में हमारी सरहदों में घुस आया है उसकी ये बात नहीं करते हैं।
जब भी कोई बात होती है तो पाकिस्तान की बात करने लगते हैं और गुमराह करने की बात करते हैं, नई नई बातें लेके आते हैं। और इतने सब हंगामे के बाद भी प्रधानमंत्री ने मणिपुर के ऊपर अपना मुंह नहीं खोला है। तो हालात बद से बदतर हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन, बेटी बर्बाद करो आंदोलन है। तो इनका तो लंबी फहरिस्त है, यदि बोलना शुरू करें तो सुबह से शाम तक हो जाए। और छात्रों के साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी की परिकाष्ठा हो गई है। सिर्फ करोड़ों लोगों के, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने वाली सरकार आज लाखों की संख्या में भी किसी को रोज़गार नहीं दे पाई है। MSME के नाम पर कोई उद्योगीकरण नहीं हो रहा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मीट्स होती हैं परंतु कोई फैक्ट्री लगी नज़र नहीं आती है। तो मैंने जैसे कहा कि अब चीज़ें बाहर हो गई हैं काबू के, जिस तरह से हम हिमाचल प्रदेश में आए, जिस तरह से हम कर्नाटका में आए, इसी तरह से अब हम लौट के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आने वाले हैं। और पार्लियामेंट के इलेक्शन में देखेंगे कि सत्ता पलट हो गई और कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनेगी, विपक्ष सब एक हो रहा है और इनके पेट में पानी हो रहा है। तो ये जाने वाले हैं, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं कार्यकर्ताओं से यही कहूँगा कि जोश के साथ खड़े हों और एकजुट होकर कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष करें। धन्यवाद। मेरा नाम शरद उपाध्याय नंदा, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रभारी जिला आगरा। आज कार्यक्रम है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार थे, फ्रीडम फाइटर परिवार थे, उन सभी घरों में हम जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो मुहिम थी, आज उसका उद्घाटन जिला आगरा से हुआ। यहाँ के यशस्वी जिलाध्यक्ष महोदय ने इसकी शुरुआत की है और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व CLP लीडर प्रदीप माथुर जी हैं। हम सभी स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के यहाँ जाएंगे और कांग्रेस का अलख जगाएंगे और उन स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के साथ लेकर के हम गांव गांव घर घर जाएंगे और बताएंगे कि ये माँ वाली सरकार, मोदी जी न महंगाई का माँ बोलने को तैयार हैं, न मणिपुर का माँ बोलने को तैयार हैं। यदि मोदी जी को कोई भाषा आती है तो मोदी जी केवल ए शब्द जानते हैं, वो बी तक नहीं पढ़े हैं। वो केवल अदानी शब्द जानते हैं या अंबानी शब्द जानते हैं, चाहे देश गिरवी रख जाए लेकिन वो ए से आगे नहीं पढ़ेंगे, एम तक नहीं जाएंगे। आज देश में कितनी बुरी स्थिति है, वो ये कहते हैं कि अपराध बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अरे इसी अपराध में ब्रजभूषण शरण सिंह को मदद दी जाती है, कुलदीप सेंगर को मदद दी जाती है, चिन्मयानंद स्वामी को मदद दी जाती है, लेकिन आप कहते हैं कि अपराध और महिलाओं के साथ उत्पीड़न। वो महिलाएं नहीं, वो देश की धरोहर हैं। जिस समय पर वो हमारे देश के लिए मेडल जीत के लाई थी और इस देश में तिरंगा झंडा फहराया गया और राष्ट्रीय ध्वज हो रहा था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि देश का हर युवा का रोंगटा खड़ा हो गया था जिस समय हमारी वो बेटियां मेडल जीत के लाई थी। लेकिन आज वो बेटियां पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं भाजपा के एक मंत्री से, लेकिन मोदी जी उसके बारे में नहीं सुनने वाले। आज जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है। हमें घर घर जाना होगा और हम तैयारी में हैं कि घर घर जा कर के, गांव गांव जा कर के जनता को बताएंगे कि मोदी जी ए से ए तक पढ़े हैं, बी शब्द नहीं पढ़े। हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है कि हमारी पार्टी आज से उत्तर प्रदेश में अभियान जो जिला आगरा से शुरुआत हुई है, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष ने आज से यहाँ से तैयार किया है, मुख्य अतिथि प्रदीप माथुर जी हैं। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों का सम्मान करेंगे, उनके घर घर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि इस समय पर आपने जब देश को आज़ाद किया था अंग्रेजों से, आपके बुजुर्गों ने देश को आज़ाद इन अंग्रेजों को भगाया था, तो पहले हमने गोरों को भगाया था, तो अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को लेकर अब हम इन चोरों को भगाएं।